गर्मी हो रही है यार। इसी वाले को बुलाया तो था लेकिन आया नहीं। अच्छा यार राहुल, ये कहाँ ले आया तू हमें? ये तो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी लगती है। हाँ गाइस, ये देखो, ये किसी दुग्गर चोला के महारानी की जगह है। यार राइट। कुछ नहीं यार, ये बोर्ड तो ऐसे दिखावे के लिए। हाँ, ये प्रॉपर्टी तो सालों से ऐसी पड़ी है। अरे किसी को पता भी नहीं चलेगा हम यहाँ आए भी थे। चलो संभाल। वो झील के पास ना बहुत ही खूबसूरत जगह है, हम वहीं रुकेंगे। यार मितेश, हमारी शादी होने वाली है। इसका मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही महीना है मेरी आजादी का। तुम्हें शादी को लेके कोई डाउट तो नहीं है ना? माय बेबी, मुझे तो कोई डाउट नहीं है। हाँ तुम अपना सोच लो। ठीक है ठीक है, तुम इतने भी बुरे नहीं हो। प्रिया, तुमने कुछ आवाज सुनी? मितेश, वहां पे कुछ है ना? अरे देखते हैं ना। केयरफुल। सर, इस अजीब चीज में ऐसी क्या खास बात है? सर, ऐसी चीज तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी है। ऐसा लगता है कि कोई दूसरे ग्रह से आए। दूसरे ग्रह से? मतलब सर, अब हमें क्रिमिनल को पकड़ने के लिए दूसरे ग्रह पे जाना पड़ेगा? पहले तुम्हें भेज दूंगा मैं। बच्चों जैसी बातें मत करो फ्रेडी। एक बात पक्की है कि अगर कटोरी इसे पाने के लिए कुछ भी करना चाहता है तो इसका एक ही मतलब है कि ये बहुत कीमती चीज है, बहुत कीमती चीज, समझे? तो अंधा है, लगता है सीआईडी भी अंधी है। बॉस, निवृतांबा और अब भी सीआईडी के पास है। इसका मतलब क्या हमारा प्लान चौपट हो गया? जहाँ सीआईडी की सोच खत्म होती है वहां मेरी सोच शुरू होती है।
सब आपकी वजह से हुआ है। उसी की बेवकूफी की वजह से निब्रतांबा सीआईडी के हाथ लग गया और अब तू ही उसे वापस लेकर आएगी। लाएगी ना? लाएगी? वो मेरे साथ ही था, लेकिन जैसे मैंने मुड़ के देखा वो गायब हो चुका था। तुम्हारा मतलब है वो अजगर? वो अजगर मेरे मितेश को खा गया। रो मत, मुझे यकीन है मितेश नहीं सलामत होगा। हमें मितेश को ढूंढना होगा। चलो इसके पेट में कुछ है। हम नितेश को भी बचा सकते हैं। हमें उसे अजगर के पेट से बाहर निकालना होगा। तुम लोग और यहां हमारी प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हो? तुम्हारी प्रॉपर्टी? हम महारानी तिलोत्तमा है, दुग्गर चोला की महारानी, और ये हमारी प्रॉपर्टी है जिसमें तुम लोग घुस आए। हम माफी चाहते हैं, लेकिन हम सब मुसीबत में हैं। एक अजगर ने हमारे दोस्त को निकल डॉक्टर शर्मा को इन्फॉर्म कर, अजगर मिल गया है और जल्द से जल्द यहाँ आने के लिए कहो। एक अजगर आपकी प्रॉपर्टी में क्या कर रहा है? वो हमारा पालतू अजगर है, जहाँ रखा था उसे वहां से निकल गया। वो जो कुछ भी हो, फिलहाल हमें हमारे दोस्त को बचाना है। और वो कैसे करोगे तुम? अजगर को मार कर। हो सकता है मितेश जिंदा हो, उसे अजगर के पेट से बाहर निकालना होगा। देखिए, आप लोगों के साथ जो भी कुछ हुआ हमें उस बात का दुख है, लेकिन हम अपने अजगर को नहीं मार सकते। नहीं मार सकते? लेकिन क्यों नहीं मार सकते? हमारा दोस्त अभी भी उसके पेट में है और हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आ रहा है, लेकिन तब तक तो मितेश मर जाएगा। चुप रहो, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम लोग गैर कानूनी तरीके से हमारी प्रॉपर्टी में नहीं घुसाते तो ये सब होता ही नहीं। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त को बचाने, और ऐसा करने से तुम में से कोई मुझे नहीं रोक सकता। तुम्हें गोली मारनी है मार दो, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त को बचाने। क्या चीज है सर? ये तो किसी नक्शे जैसा दिख रहा है सर। हाँ, ये नक्शा ही है जयवंती। ये नक्शा हमें वहां पहुंचाएगा जहां
ये कटोरी डमठा पहुंचने के लिए तड़प रहा है। सर, कटोरी को पहले एक नक्शा मिला था, हो सकता है इस नक्शे का उस नक्शे के साथ कोई लेना देना। सर, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये नक्शा किस जगह का है? पहले तो हमें ये पता लगाना है पूर्वी कि कटोरी डमठा इस नक्शे के पीछे क्यों पड़ा है। सर, सर ये पार्सल न्यूज चैनल की तरफ से आया सर, मगर सेंडर ने नाम नहीं लिखा है सर, पता नहीं किसने भेजा। CID only. भागो 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 भागो। क्यों भागो? अरे कुछ भी लेके आता है यहाँ पे, पिछली बार केक लेके आया था। पंकज सर, सर ये मेरे हाथ से ले लो सर। रखो इधर सर, प्लीज प्लीज। क्या लगता है? हल्का है सर, बॉम्ब तो नहीं लगता। ठीक है, खोलो इसे, मगर संभल के। माय गॉड, कटा हुआ कान, कटोरी। मिल ड्राइव को चलाकर देखते हैं सर। देख रहे हो इसे? पहचानते हो ना? जानते हो ना इसकी ऐसी हालत क्यों? क्योंकि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है। मेरा नीब्र तांबा, अब मैं क्या करूंगा? गोली तभी निशाना चुकती है जब कटोरी चाहता है। 12 घंटे में किला रोड सामान के साथ। क्या हुआ, कहाँ है आजकल? डॉक्टर प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, मेरे दोस्त को आजकल ही निकल लिया, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। आप प्लीज परेशान मत होइए, मैं देखता हूँ। I'm sorry, रानी साहिबा, अजगर मर चुका है। और मितेश, मितेश का क्या हुआ? शायद वो भी मर चुका है। लेकिन रानी साहिबा, उसे निकालने के लिए हमें अजगर का पेट काटना पड़ेगा। जो करना है कीजिए, वैसे भी वो अजगर मर चुका है। दया, अगर रायमा को बचाना है तो हमें कटोरी की सारी बातें माननी पड़ेगी। सर, बॉम्ब एक्सपर्ट। आपने बॉम्ब को तो देखा है, क्या लगता है आपको कैसा बॉम्ब है वो? सर, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। एक बॉम्ब के फटने से ये हाल है, अगर सारे बॉम्ब फट जाएंगे तो क्या हाल होगा सर?
सर पूरा शहर बर्बाद हो जाए। हम ऐसा नहीं होने देंगे, पता लगा लेंगे कि शहर में कहां कहां पर बॉम्ब लगाए गए हैं और उनका रिमोट भी ढूंढना होगा सर। सर सर वो मजदूर बंदनी कुकरू, उसका पता चल गया। सर वो शहर के बाहर किसी बड़ी सी कोठी में रहती है। बंदिनी कुकरू? अब ये बंदिनी कुकरू ही बताएगी इस बॉम्ब के बारे में। यहां रखो। मितेश, मितेश। प्रिया, ये सब क्या हो रहा है? मितेश, और तुम रो क्यों रही हो? तुम ठीक हो? हाँ प्रिया मैं ठीक हूँ, देखो। मितेश तुम जिंदा हो तो फिर ये कौन है? इस आदमी के सिर पर गोली लगी है। गोली? लेकिन ये है कौन और हमारी प्रॉपर्टी में कैसे घुसा है? मतलब ये मामला अजगर के निगलने का नहीं, ये मर्डर केस है। हमें फौरन सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। यू द सर्वेंट, हाउ डेयर तुम्हें टचेस की मेरे बैग्स को? ब्रेन्स किधर है तुम लोगों का आजकल? पता भी है कितना कॉस्टलीस बैग्स है वो? कॉस्टलीस 1 लाख का है, सरेंटिनोस कंपनी का। खैर तुमने कहा नाम सुना होगा इसका। सॉरी मैडम, गलती हो गई। गोज नाउ यू ब्लडी फूल्स। मिस बंदिनी कुकरू, एक्चुअली इट्स द बैंडीज। हूज यूज? हम लोग सीआईडी से हैं, कुछ बात करनी है आपसे। सो करो ना, बट हरी अप सा, मेरी अपॉइंटमेंट्स है ब्यूटी पार्लर्स में, इंपॉर्टेंस मीटिंग्स में जाना है मुझे। ओहो, अच्छा अच्छा, तो बात ये कुकुडू मैडम की, आप कहीं पर काम करती थी ना पहले, किसी बिल्डिंग में मजदूरी का काम, ईंटें उठाना, पत्थर उठाना, है ना? तो उसी बिल्डिंग में हमें एक बॉम्ब मिला है। बॉम्ब कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? साहब वो बहुत पुरानी बात है, मेरे को नहीं पता उसके बारे में। मेरे को क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में अभी? मैं नहीं जानती। झूठ मत बोलो बंदनी। नहीं नहीं जयवंती, ऐसे नहीं बोलते। इनके हाथों में हथकड़ी पहना देते हैं और फिर बारात निकालते हैं इनकी, सब लोगों के सामने ब्यूरो लेके चलते हैं। नहीं 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 साहिब, 6 साल पहले ना मैं उस बिल्डिंग में काम करती थी और उस दिन मैंने देखा वहां की मैंने उस दिन उस बिल्डिंग के बिल्डर को भी बताई थी ये बात, तो उसने कहा कि बंद रखो अपना मुंह। फिर क्या, उसके बदले में मैंने तो कह दिया उससे मेरे से मैरिजेस कर ले वरना मैं सबको बता देगी ये बात। फिर उसने मेरी बात मान ली, मेरे को मैरिजेस की उसने और यहाँ पर लाकर रखा। अच्छा, उन लोगों को तो पहचान सकती हो ना जिन्होंने वो बॉम्ब रखा था, तुमने देखा है उन्हें? साहिब वो एक आदमी था, नीलेश नाम था उसका। नीलेश? कहाँ है ये नीलेश? वो तो हॉस्पिटल में पड़ा है सर, ऑपरेशन के बाद शायद अभी भी कोमा में ही है वो। नीलेश शायद कोमा में है, तो चलो चलकर देखते हैं। ऑफिसर, हम महारानी तिलोत्तमा हैं, दुगर चोला स्टेट की मालकिन। ये हमारी स्टेट है और ये बॉडी अजगर के पेट से निकली है। ये कौन? ये लोग कौन है? ये सारा हंगामा इन्हीं की वजह से हुआ है। ये हमारी स्टेट में घुसाए थे,
और हमारे पालतू अजगर को भी मार दिया। वो अजगर पालतू था? आप जानती है ना, जंगली जानवरों को बिना परमिशन के पालना गैर कानूनी है। वो बहुत छोटा सा था जब यहाँ आया था, फिर ये एस्टेट जैसे उसका घर बन गया, लेकिन इन लोगों ने उसे पीट पीट के मार दिया। आप शायद भूल रही हैं, उसने इंसान को निगला था। और सर, इस आदमी के खून से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अभी आप लोग जा सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। अपने अपने कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस दे दो। जी अंकल। सर सर, इसके माथे के पीछे बीच गोली मारी। सर इसके पास कुछ नहीं है सर, कोई आइडेंटिटी नहीं है। महारानी तिलोत्तमा जी, अजगर जैसे खतरनाक जानवरों को आपने ऐसे खुला कैसे छोड़ रखा था? इतनी बड़ी स्टेट है आपकी, कहीं से कोई भी घुस सकता है। हमने उसके लिए बाड़ा बनवाया था, लेकिन वो उसे तोड़ के निकल गया। और एक आदमी को निकल गया, ऊपर से गोली भी लगी इस आदमी को। आपके गार्ड्स तो यहाँ हर समय रहते हैं, गोली चलने की आवाज किसी ने कैसे नहीं सुनी? देखिए, मैं यहाँ का मैनेजर रणबीर, अगर किसी गार्ड ने कुछ सुना होता तो मुझे जरूर बताता। सर हो सकता है उसे कहीं और गोली मारी गई हो और लाश को लाके यहाँ फेंक दिया गया हो। हमें सिखाने की कोशिश मत करो, पर तुम लोग इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पा सकते, समझे? एक आदमी को गोली मारी गई है, किसने किया ये सब? ऑफिसर हमारा यकीन कीजिए, हम में से किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। इतनी बड़ी स्टेट है, सैकड़ों एकर्स में फैली हुई है, हर बात पे नजर रख पाना पॉसिबल नहीं है। और हम तो यहाँ रहते भी विदेश में रहते हैं, एक फैमिली फंक्शन के लिए यहाँ आए। वो सब तो ठीक है महारानी तिलोत्तमा जी, लेकिन आपके सभी गार्ड्स के पास गन है और इस आदमी को बंदूक की गोली लगी है। सर हमें से किसी ने भी नहीं मारा, वो हम पता लगा लेंगे। रेडी, इन सब गार्ड्स की गन लो और बॉडी को फोरेंसिक लैब भेजो। देखो तो सही, जो गोली से लगी है वो किस गार्ड की गन से चली है, और इस पूरे स्टेट को छान मारना होगा। कुछ भी नहीं मिला और ये जंगल भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सर सर शायद महारानी और उसके लोग सही कह रहे हैं, यहाँ कुछ हुआ होगा ऐसा लग तो नहीं रहा है। कुछ तो हुआ है यहाँ पे, ये देखो ये अजगर के रेंगने का निशान। हाँ सर, मतलब वो लड़का यहाँ मिला था अजगर से। लड़का यहाँ पे मिला था तो गोली भी आसपास ही चली होगी। सर ये जूता, ये तो किसी लड़की का जूता लगता है। लड़की का जूता? सर मतलब उस लड़के के साथ यहाँ पर एक लड़की भी थी। आवाज यहाँ से आ रही। सर अब क्या करें? हिलना मत, हिलना मत। जमीन पे जो वाइब्रेशन होती है उसके थरथराहट से ये समझ जाता है कि उसका शिकार कहाँ है। एकदम शांत खड़े रहो। बच गए। हाँ डॉक्टर साहब, के अजगर ने जिस आदमी को निगला था उस आदमी की मौत गोली लगने से हुई, लेकिन उसकी गर्दन पर
मुझे एक चिप मिली है। चिप? कैसी चिप है? ट्रैकिंग चिप है। पर अभिजीत, तुम जल्द से जल्द फॉरेंसिक लैब आ जाओ। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। चलो। रुक जाओ। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? एक मिनट, अपने हथियार नीचे रखो, हम लोग CID से हैं। आप लोग कौन है? मैं राजीव, मिस्टर अभय कुमार के वहां से आया हूँ। उनके बेटे अमन को किसी ने किडनैप कर लिया है, हम लोग उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आए हुए हैं। अभय कुमार वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट? जी हाँ वही। और ये बॉडी अजगर के पेट से निकली है सर, इसके माथे के पीछे बीच गोली मारी। ये अमन ने क्या कपड़े पहने थे? पीला शर्ट और जीन्स। पंकज सर, अमन के पिताजी को फॉरेंसिक लैब लेके आओ। सर, सर मिस्टर अभय, ये अमन के डैड। आइए अभय जी। अभय जी देखिए, हम चाहते हैं कि आप इस बॉडी को देखकर आइडेंटिफाई करें कि ये आप ही का बेटा अमन है। मेरा बेटा अमन, ये अमन है सर, अमन। अभय जी, अभय जी आइए आइए। देखिए अभय जी, अगर हमें अभय के खूनी तक पहुंचना है तो हमें आपके मदद की बहुत जरूरत है। क्या आप बता सकते हैं ये सब कैसे हुआ? सर, अमन का किडनैप हुआ था और किडनैपर्स ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने CID या किसी और को भी यह खबर दी तो वो मेरे बेटे को मार डालेंगे। तो उन्होंने फिरौती में क्या मांगा? सर, उन्हें मेरा प्राइवेट प्लेन चाहिए था। प्राइवेट प्लेन? क्यों? स्मगलिंग के लिए। उन्हें कोई कंसाइनमेंट इस शहर में लाना था। उन्हें पता था अच्छी तरह से कि मेरा इस शहर में कॉन्टैक्ट्स है, हाई प्रोफाइल कॉन्टैक्ट्स है, और मेरे प्लेन को कोई नहीं चेक करेगा। सर, वो कंसाइनमेंट मुंबई शहर में पहुंच गया। तो क्या किडनैपर्स ने अपना वादा तोड़ दिया? अमन को मार डाला उन्होंने? हाँ सर, मैं उसके साथ हमेशा बॉडीगार्ड रखता था ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचा पाए, मगर फिर भी किडनैपर्स ने उसे मार दिया सर। और उसके बाद से आज तक उन लोगों ने मुझसे बात तक नहीं किया। देखिए अभय जी, जहां पर अमन को अजगर ने निगला था वहां पर हमें ये एक लड़की का जूता मिला। क्या कोई लड़की थी अमन के साथ उस वक्त? लड़की? रिचा? हाँ सर, रिचा। सर, रिचा अमन की गर्लफ्रेंड है और उस दिन रिचा अमन के साथ ही थी। अमन के शरीर पर, मेरा मतलब है उसके गर्दन पर, हमें एक छोटी सी चिप मिली। चिप? सर, वो चिप मैंने अमन के गर्दन पे लगवाई थी। क्यों? अमन को हमेशा धमकी भरे फोन आते थे, मुझे डर था कि कहीं उसके साथ कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, इन सब का ट्रैक रखने के लिए मैंने वो चिप उसके गर्दन पे लगाई थी सर। अच्छा सर, अगर अमन और रिचा साथ में थे तो फिर ये रिचा कहां गायब हो गई? रिचा, रिचा, जो कुछ भी हुआ है महारानी तिलोत्तमा के डुग्गर चोला स्टेट में हुआ है। ये सब क्या है? ये देखकर तो कोई गधा भी बता सकता है कि यहां कुछ गड़बड़ हुई। ये सब यहां कैसे? देख क्या रहे हो? हटाओ इसे जल्दी। चलो C
सीआईडी के आने से पहले ये सब जला दो। ये क्या है? ये तो ड्रोन है, हमारी पिक्चर्स कैप्चर कर रहा है। उड़ा दो इसे। अभिजीत। अरे 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 महारानी तिलोत्तमा जी, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? देखिए ऑफिसर, जैसे आप सोच रहे वैसा नहीं है। जैसे आप लोग सबूत मिटा रहे थे उससे पहले हम यहाँ पहुंच गए हैं। तो ऋचा और अमन को यहाँ अंदर बांध के रखा गया था है? कौन अमन कौन ऋचा? हम तो इन्हें जानते तक नहीं है। देखिए, हम किसी झंझट में नहीं फंसना चाहते थे, इसलिए सारे सबूत मिटाकर यहाँ से भाग रहे थे। और हम ये सब क्यों करेंगे? हम तो आज सुबह ही मुंबई पहुंचे। ठीक है, वहां अंदर लिखा हुआ है बचाओ SAN। क्यों संजय जी, आपका क्या कहना है? पंकज कुछ करो यार, खड़े क्यों? हाँ सर, ये सब मैंने किया था। इसके बदले मुझे बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। एक आदमी आया था यहाँ पे सर, जिसने कहा ये सुनसान इलाका है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, अगर मैंने उसे साथ दिया तो वो मुझे 5,00,000 रुपए देगा। और वो सिर्फ ऋचा और अमन को बंदी बना के रखना चाहता था। ऋचा कहाँ है? ऋचा और अमन भाग गए, और वो आदमी और उसके साथी उन दोनों को पकड़ने के लिए जंगल में उनके पीछे दौड़ पड़े सर। उस आदमी का नंबर चाहिए हमें, जो तुम्हें 5,00,000 रुपए देने वाला था। हाँ सर। जयवंती, फोन ट्रैक करो। लड़की बाहर आ जाओ, हमें पता है तुम यहीं कहीं हो, अपने आप बाहर आ जाओ। बहुत परेशान कर लिया, अब मर। घबरा मत, हम लोग सीआईडी से हैं। मैंने अमन को बचाने की बहुत कोशिश की। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बताओ क्या हुआ? सर, अमन और मुझे बंदी बनाकर झोपड़े में रखा था, और उसके बाद हम वहां से कैसे भी बच के निकल गए सर, लेकिन ये बदमाश हमारे पीछे पड़े हुए थे और इन्होंने अमन को गोली मार दी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अमन लुढ़कता हुआ चट्टान से कहीं दूर जा गिरा, और मैं जल्दी से उस चट्टान से नीचे उतरी, और फिर मैंने देखा, बचाओ, कोई है, हेल्प, कोई है, बचाओ, हेल्प, कोई है। मैंने अपन को बचाने की बहुत कोशिश की सर, पर ये गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए थे, इसलिए मुझे वहां से भागना पड़ा। अच्छा अच्छा, तुम किसी डील के बारे में जानती? अमन के बदले किसी डील के बारे में, या तुमने कोई कंसाइनमेंट वगैरह के बारे में सुना? जब हम लोग को बंदी बनाकर रखा हुआ था तब मैंने डील के बारे में सुना तो था, वो लोग कह रहे थे कि डील फाइनल हो गई है और मीटिंग किसी ओईसी स्टूडियोस में होनी है। ओईसी स्टूडियो?
माल तो पूरा आ गया ना, माल दिखाओ। जैसा तुम चाहते थे प्रवीण, सारे के सारे ऑटोमेटिक हथियार, मशीन गन, ग्रेनेड, स्नाइपर राइफल, सारे के सारे फ्रांस से इंपोर्ट करके मंगाए। क्या बात है, दिल खुश हो गया। एक बात तो कहनी पड़ेगी, मुझे तो ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतनी सख्त चेकिंग के अंदर ये हथियार तुम हिंदुस्तान में ले आए। बहुत खूब राजीव। ये तो हमारा काम है। ये तो बंदूक देख रहे हो ना, इसकी गोली पर स्पेशल डायमंड कोटिंग किया गया है, जो सख्त से सख्त कवच को भी चीर सकती है। डन, डील पक्की। पहले पैसा। हाँ ये लो, जितने में तय हुआ था पूरा है। तुम्हारे साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। माल रखो। राजीव, अमन का बॉडीगार्ड। क्यों किया तुमने ये साहब, बताओ। क्या करूं साहब, सिर्फ 60,000 रुपए, वो भी महीने के। आज के जमाने में क्या होता है साहब इतने पैसों का, कुछ नहीं। करोड़पति था वो, और इतने साल ईमानदारी से नौकरी करके कुछ नहीं मिला साहब। लो, गया उसका बेटा हमेशा के लिए, अब कभी नहीं आएगा वो। क्या भय, तुम्हारा मालिक था पर तुमने उसे धोखा दिया। उसके बच्चे की जान बचाने के लिए तुम्हें पैसे मिलते थे पर तुमने उसके बेटे की रखवाली नहीं की, जान से मार डाला तुमने उसे। कभी सोचा था अब तुम्हारी रखवाली कौन करेगा, फांसी का फंदा? ये क्या, मेरे स्वागत के लिए सिर्फ इतने लोग? कोई फोर्स नहीं, कोई स्नाइपर नहीं? कितनी बेबस है सीआईडी। मैं यहां तुम सबके सामने बिल्कुल निहत्ता खड़ा हूं और तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। रायमा कहां है? बड़ी जल्दी में ऐसे भी पहले मेरा सामान। ना ना, सिर्फ ऐसे थे। कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम चाहते थे। रायमा, सब्र का फल मीठा होता है एसीपी।
ये ट्रैकर वगैरह लगाना बच्चों के खेल हैं ऐसे भी। अब तुम्हारी उम्र नहीं रही खेलने की। कटोरी रायमा। हाँ रायमा, तुम तो जानते हो ऐसे भी एवोल्यूशन। पहले इंसान एक जानवर था, फिर धीरे धीरे वो खड़ा हुआ, उसे अकल आई और फिर उसने आविष्कार किया पहिए का, चक्का, टायर। और आज आज उस टायर की वजह से दुनिया कहां के कहां पहुंच गई है ना। सर ये कटोरी मेरे निशाने पे, निशाना लगाऊं क्या सर? नहीं अभी नहीं। यहां आसपास टायर कहां ढूंढो। सर रायमा, रायमा संभल के। सर इसकी हालत तो बहुत खराब है, एम्बुलेंस बुलाते हो। सर ये कटोरी तो वाकई हमसे दो कदम आगे निकला। हाँ मगर कब तक और कहां तक आगे निकलेगा पता तो हम लगा ही लेंगे, आखिर जीत तो हमारी ही होगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।